हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ इवनिंग से। और पारुल आई थी घर पे, तो अभी आ नहीं रही है, जा रही है ये मैडम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आपने ग्वालियर घूमी? ग्वालियर का कोर्ट घूमी? किला घूमी? हाँ। और ग्वालियर का फोर्ट घूमी और सिंधिया पैलेस गई। फिर मैं शाम को अंजू से मिलने आई। अभी मैं कल और घूम ग्वालियर में। कल मुझे सन टेम्पल जाना है और एक दो मंदिर है थोड़ी सी। मैं क्या मतलब ये बस घूमी घूमी करने आई है, घूम रही है। बस मैं घूमने आई हूँ एंड आप बोल सकते हैं कि दिस इज माय सेकंड हनीमून। और अंशुल जी भी आए हैं, इनके हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगी। तो मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने नूडल्स बनाए थे, नूडल्स बना के खिलाए हैं अपने हाथों के। और खाना बनाने की बिल्कुल ताकत नहीं थी तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। तो जो खाना था वो ऑर्डर कर दिया, अभी आएगा तो आपको दिखा देंगे। और नेक्स्ट टाइम आएगी तो खातिरदारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे फीवर है और सच में बहुत फीवर था जब ये आई थी। तो समझ सकती है, उसको पता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। तो बस ये तैयार हो रही है जाने के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 9 और ये आ गई थी। कितने बजे आ गई थी? मैं 7 बजे आ गई थी। 7 बजे नहीं, 6 बजे आ गई। 5 बजे आ गई थी। 5 बजे आ गई थी, 5 बजे के टाइम पे आ गई थी। तो अभी आपको मैं अंशुल जी से भी मिलवा दूंगी। और मुझे स्वेटिंग हो रही है क्योंकि मुझे फीवर जो है वो मैंने दवाई ले ली थी ना उसके कारण। तो बस सिंपल सोवर से बिल्कुल जो घर में थी वही, और चोटी तक नहीं की, मतलब यहाँ तक की मैंने। और खूब सारी बातें की। ब्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि मैं वो लोग थके हुए आए हुए थे, घूम करके आए हैं तो उन्होंने रेस्ट किया। मैंने नूडल्स बना दिए थे, चाय वगैरह बनाई थी, आपको दिखाया है। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, दिखा देती हूँ। मतलब पारुल मेरे घर आई है, मैंने बोल दिया था कल उसको कि आना, और कल वो निकल जाएगी। कल उसकी ट्रेन भी है, दिन भर वो घूमेगी और शाम को उनकी ट्रेन है 6 बजे, तो वो निकल भी जाएगी इंदौर के लिए। तो बस चलिए थोड़ा बहुत और मिल लेते हैं फिर चलते हैं। तो ये देखिए नाश्ता लगाया था मैंने, न्यू वाले टी मग निकाले हुए थे जो कि अंशुल जी को और पारुल को दोनों को पसंद आए। उसके बाद फिर मैंने नूडल्स बनाए हुए थे और बस यहाँ पे गर्मा गर्म मैंने दोनों को नूडल्स खिला दिए थे क्योंकि वो थक कर के आए हुए थे। तो ये स्नैक्स हो गया था और ये है 2 प्लेट, तो दोनों ने 1 प्लेट में खाया था और 1 में मैं खा रही हूँ। ये थोड़ा सा काम से बाहर चले गए थे, इनको पता नहीं क्या अर्जेंट काम लग गया था तो ये बाहर चले गए थे। उसके बाद अभी हो रहा है रात का 9 बजे का टाइम, ये पार्सल आए हुए हैं। तो ये और अंशुल जी दोनों गए थे नीचे लेने के लिए। तो बस यहाँ पे हमने जो मंगाया था वो आ गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिलीवरी होती है, आप देख लीजिए। और जो हमने मंगाया था वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, मैं आपको बता दूं, खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था और सब कुछ ठंडा आया हुआ था। तो मैं ज़्यादातर घर का ही खाना बना के खिलाती हूँ सभी को, बट आज तो मैंने बिल्कुल भी ताकत ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। बट ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन लोगों को भी नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, अब यही हमारे पास ऑप्शन था खाने का, पिज़्ज़ा पाव भाजी पराठा भाजी, ये थोड़ा सा सैलेड भी आया हुआ था, दही भी आया हुआ था पराठे के लिए। तो बस हम लोगों ने फिर खा लिया। तो यहाँ पे चारों लोग यही खा रहे हैं और उसके बाद फिर ये लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो रुकी तो काफ़ी टाइम के लिए थी पारुल घर पे, बट मैंने व्लॉगिंग इसीलिए नहीं की कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी क्योंकि वो थक चुकी थी। उसने आके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे तो फिर बोले कि अरे अभी रहने दो। तो बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो शगुन होता है क्योंकि मैं पारुल से बड़ी हूँ, तो वही शगुन मैं यहाँ पे दे रही हूँ अंशुल जी को। चलिए बाय अंशुल जी, बाय। तो ये हैं पारुल के हस्बैंड, अंशुल जी नाम है इनका। मैं नाम लेती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ पारुल से इसलिए। और ये पारुल अब जा रही है, अब कब आओगी? कब आओगी? हम मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर सीधे साल भर के बाद। साल भर के बाद बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।
और थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए, हमारे घर पे आने के लिए, हमारे घर पे भी आने के लिए बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम स्पेंड किया है हमने, रात के बज रहे हैं 10, उनको छोड़ने जा रहे हैं, चलो बाय, चलते हैं, इनको छोड़ा है, हम फिर मिलते हैं आपसे आकर के। तो बस अभी घर को लॉक करने के बाद इनको छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे इसलिए, तो आधे रास्ते तक हमने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं घर वापस आई थी, थोड़ा सा घर वर समेटा। और चलिए आप लोग पहले मेरा एक शॉपिंग वीडियो देख लीजिए छोटा सा, उसके बाद फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ब्यूटी हॉल, और जैसे कि हर बार शेयर करती हूँ, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट मंगवाया है, हर बार कुछ ना कुछ नया ही मंगवाती हूँ। तो क्या क्या मैंने मंगाया है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सभी को शॉपिंग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ में, और आप लोग बाय कर सकते हैं आपको जो भी पसंद आए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और ये वीडियो मैं माय हॉल स्टोर के लिए बना रही हूँ, तो माय हॉल स्टोर पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, आपको सारी मेरी फेवरेट चीज़ें जो कुछ भी मैंने बाय किया है वो आपको वहाँ पे एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। तो माय हॉल स्टोर पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मंगाया है ये आप देख सकते हैं, और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये लगा हुआ है, तो जिस कारण से मैं थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल नहीं हूँ दिखाने में, बट फिर भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने मंगाया है, फेक नेल्स मंगाया है मैंने, इसके साथ में ये मुझे ग्लू मिला हुआ है, और इसमें 100 पीसेस हैं, और ये 199 का है। तो आपको प्राइस मैं साथ ही साथ बताती चलती हूँ, 199 का है, और देखेंगे कि कैसे इससे इसको लगाएंगे, तो जब भी लगाऊंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ। तो मुझे शौक लगा था कि मैं, मतलब वैसे मेरे नेल्स अच्छे हैं बट टूट जाते हैं, अभी तो नेल पेंट भी नहीं लगा। तो कभी अगर आपको नेल आर्ट वगैरह करने का मन है तो आप इस तरह से मंगा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। तो एक तो मैंने ये मंगाया हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने मंगाया है, तो गाइज मैंने ये हेयर क्लिप्स मंगवाई हैं अपने लिए। तो ये देखिए, ये सारी की सारी मुझे मिली हैं, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, मैंने देख ली है, ये देख सकते हैं। पहले मैं ये कुछ इस तरह से पर्ल वाला, और ये कलर है ग्रे कलर, एंड सेकंड में ये है, आप देख सकते हैं तीन तीन का सेट है इसमें। तो पूरी टोटल मुझे 12 क्लिप्स मिली हुई हैं, और तीन ये हैं आप देख सकते हैं, और तीन ये हैं, तो ये टोटल 12 पीसेस हैं, और ये मुझे मिले हैं 499 के, मतलब 500 रुपीज़ की ये 12 क्लिप्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप जो छोटी बच्चियां होती हैं आप भी इनको लगा सकते हैं, हेयर स्टाइल बना रहे हैं या फिर ओपन बाल भी कर रहे हैं, तो साइड से यहाँ से वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगेंगी, शादी पार्टी वियर हैं। तो ये भी मैंने मंगाई हुई हैं, क्योंकि इस टाइप की मेरे पास थी नहीं। नेक्स्ट गाइस, मैंने एक बहुत ही, मतलब मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि फ़ैन ऑफ कर रखा है मैंने, गर्मी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है ना फ़ैन की वीडियो में, इसलिए तो आपको क्लियर मेरी आवाज़ सुनाई थी, इसलिए मैंने फ़ैन को ऑफ कर दिया, और मुझे फीवर है तो उस कारण मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और तो उसके बाद मैंने एक मंगाया हुआ है लाइनर, अब मैं ये एक नई चीज़ है, ये देखिए ये है लाइनर, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये एक नई चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी तक मैं लिक्विड वाला जो लाइनर होता है ना उससे लगाती थी, तो कभी कभी ना ऐसे करने में ऊपर नीचे लग जाता था, मतलब आई मेकअप खराब हो जाता था, और कभी कभी हाथ भी कपते हैं ऐसे ऐसे अगर आपको लगाना नहीं आता है। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, इसलिए मैंने ये वाला लाइनर मंगाया है। ये वाटरप्रूफ है, मैंने देख लिया, इसको लगाया था मैंने यहाँ पे, काफ़ी टाइम तक निकला नहीं था, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये देखो थोड़ा सा टच हो गया और कैसे लग गया मेरे हाथ से। तो ये देखिए, ये इसका जो ये स्केच वाला लाइनर है, आप इसको इस तरह से ड्रॉ करके लगाना होता है, ये देखिए, इससे ना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आपका लाइनर, और आप इसको मोटा पतला, मतलब जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। मैं अभी लगा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे अभी लगाना नहीं है, तो जब भी लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, बट ये अभी अच्छा है। मैंने यहाँ पे ये देखो लगाया है ना, तो वाटर प्रूफ भी है, ये देखो निकल नहीं रहा है ना, तो ऐसे मैंने इसको चेक कर लिया था। तो ये है ना, मुझे मिला है 599 का, मतलब 600 का है ये लाइनर, थोड़ा सा कॉस्टली है बट अच्छा है ये, और इसे आप कैरी भी कर सकते हैं, कहीं लेके भी जा सकते हैं,
पेन की तरह लग रहा है ना, कितना प्यारा है। तो ये इसमें मुझे इस तरह से पैक होकर के मिला था, तो ये मुझे कुछ नया लगा इसलिए मैंने इसे लिया है। आप भी इस तरह का लाइनर लेना चाहते हैं, अगर आप लाइनर लगाने में पक्के नहीं है, इधर उधर भाग जाता है, मोटा पतला हो जाता है, तो आप इसे ले लीजिएगा, इससे कंफर्टेबल रहेंगे लगाने के लिए आप, ठीक है। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ये सारी शॉपिंग मैंने अमेजोन से की है और ब्यूटी हॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है, क्योंकि आपको पता है ना गाइस, फेस्टिवल आने वाले हैं और आने वाले फेस्टिवलों के लिए शॉपिंग जो है स्टार्ट कर दी है। अब दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगा, गणेश जी आ रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, बट पहले मैं भी ठीक हो जाऊं। और आप देख सकते हैं मुझे स्वेटिंग कितनी हो रही है, गर्मी बहुत लग रही है गाइस। नेक्स्ट मैंने मंगाया है अपने हेयर के लिए एसेसरीज मंगाए हुए हैं, तो ये मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, ये मंगाए हैं, पिंक कलर के मुझे मिले हैं और ये कॉम्बो में मिला है मुझे, मतलब एक के साथ एक मिला हुआ है। ये वाला हाथ तो बिल्कुल भी ऊपर ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, एक के साथ एक मिला हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और आप कोई भी बन बना रहे हैं या साइड वाला बना रहे हैं, बैक साइड वाला बना रहे हैं, या फिर ओपन भी रख रहे हैं, तो आप इसको मतलब अपना चार चांद लग जाएगी आपकी हेयर स्टाइल में, इतना मैं आपको बता दूँ। तो करवा चौथ वगैरह के लिए आप भी इसको मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो ये देखिए, ये मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आप जो भी कुछ जूड़ा वगैरह बनाएंगे उसमें आपको ये इस तरह से करना है और ये आपके हेयर में लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ नया मैंने मंगाया है। तो ये मुझे कॉम्बो मिला है, दो मिले हैं, और ये मुझे मिले हैं 125 के, ठीक है। तो 125 में आपको दो मिल जाते हैं। एंड गाइज, नेक्स्ट मैंने मंगाया हुआ है अपने लिए एक लिपस्टिक जो कि मैबलिन का है, और ये मैट लिपस्टिक है, इसका सेट नंबर 03 है, और ये मुझे मिली हुई है 260 की, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। और ये है रेड कलर है ये देखिए, ये वाला कलर है, ये बहुत ही प्यारा कलर, तो ये मुझे चाहिए था क्योंकि मेरा रेड कलर था जो कि मैंने दे दिया है किसी को, तो ये मुझे चाहिए था ये वाला रेड कलर, तो ये मैंने मंगाया। मैबलिन का है, अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है ये भी, तो और आगे मैं बताऊंगी कि ये फिर मतलब और कितना अच्छा है, ये तो जब लगाऊंगी, अभी लगाया नहीं है मैंने। उसके बाद मैंने मंगाया हुआ है अपने लिए, नेक्स्ट गाइस मैंने अपने लिए मंगाया है फेशियल का किट। ये देखिए, ये मैंने VLCC का मंगाया है पर्ल फेशियल किट, और इसका जो वेट है वो है 60 ग्राम, और ये 179 की मुझे मिली है। इस पे MRP मतलब 260 है, बट ये मुझे 179 की मिली है, और ये मैं सोच रही हूँ कि मतलब 2 से 3 बार तो हो जाएगा इसमें, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ये देखिए, इसमें आपको मिल जाता है स्टेप बाय स्टेप, इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें दिया है टोनर, स्क्रब, जेल, क्रीम पैक, मॉइस्चराइजिंग जेल, इतनी सारी चीज़ें इसमें मिली हैं, 6 चीज़ें मिली हैं इसमें मुझे। तो ये आप देख सकते हैं 179 में, मतलब दो बार तो आराम से हो जाएगा इसमें, इतना है। तो आप भी ले सकते हैं करवा चौथ वगैरह के लिए, ठीक है, जब भी आपका मन करे फेशियल घर में आराम से कर लीजिए, क्योंकि पार्लर वार्लर पे जाने का टाइम है नहीं, और वैसे भी वक्त सही नहीं है पार्लर जाने का। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो मंगाया है, नेक्स्ट गाइस मैंने गोल्ड ब्लीच मंगवाया हुआ है, और ये मुझे मिला है 309 का, और ये मुझे याद नहीं रहा, मैंने बड़ा पैकेट मंगवा लिया, तो कोई बात नहीं, फिर मैंने इसको रख लिया। ये बड़ा पैकेट आ गया है मेरे पास, 309 इसका प्राइस है, और इसमें बहुत बार हो जाएगी, मतलब कम से कम 10-15 बार तो हो ही जाएगी मेरे ख्याल से। और फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ नहीं, चलो मैं इसको, इसका जो वेट है वो 220 ग्राम है, ठीक है, तो इसको जब भी मैं लगाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगी ब्लीच, और इसके साथ में मुझे मिला हुआ है ये कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, एक्टिवेटर मिला है,
एक्टिवेटर दो में मिला है क्योंकि बड़ा है ना ब्लीच का डब्बा इसलिए, और इसमें कुछ पाउचेस भी मिले हुए हैं, ये देखिए कुछ पाउचेस मिले हुए हैं, इतने सारे भर के इसमें कितने सारे पाउचेस मिले हैं। इसमें वो है प्री ब्लीच क्रीम है, इसमें सारी की सारी प्री ब्लीच क्रीम है। तो जब भी मैं इसको करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी जब भी आप करें लगाएं तो हमें जरूर बताएं, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये बड़ा पैकेट आ गया है, ये देखिए। अगर आपके यहाँ पे शादी फंक्शन वगैरह कुछ है और बहुत सारे लोग हैं घर में ब्लीच करने के लिए, तो आप इसे मंगा सकते हैं, नहीं तो छोटा वाला पैकेट मंगाइएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। ठीक है, मैंने बड़ा मंगा लिया, फिर मैंने रख लिया था कि चलो गाइज मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ मंगाई है, और मैंने मंगाया है कमरबंद। ये देखिए कुछ इस तरह से पैक होके मिला था ये मुझे, इसके ऊपर भी एक और पॉलिथीन आई थी, तो ये मैंने कमरबंद मंगाया है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। और ये देखिए जब भी मतलब मैं कोई ऐसा मेकअप करूँगी ना ब्राइडल मेकअप वगैरह, तो उसके लिए मुझे ये कमरबंद चाहिए था। तो ये देखिए ये मैंने मंगाया हुआ है, मैं आपको गले में यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि कमर में नहीं दिखा सकती ना इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ग्रीन एंड पिंक कलर का इसमें वो मतलब स्टोन लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं इतनी अच्छी इसमें यहाँ पे आपको चेन मिल जाती है, काफ़ी लंबी चेन है, अपने कमर के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे लॉक दिए हुए हैं, तो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये मैंने मंगाया था। और ये जो कमरबंद है ना, ये मुझे 429 का मिला हुआ है। ठीक है, मतलब 430 रुपए का मुझे मिला है। उस नेक्स्ट गाइस इन्होंने अपने लिए मंगाया हुआ है एक फेस वॉश, जो कि गार्नियर मेन पावर वाइट एंटी पॉल्यूशन डबल एक्शन फेस वॉश है, ये आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने मंगाया है 168 रुपीस का, तो ये तो आपको यही बताएंगे कि कैसा है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने लिए फेस वॉश मंगाया है। तो बस अभी इस बार ब्यूटी में मैंने इतना ही मंगाया हुआ है, और सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सब कुछ मुझे मिला है, अच्छे से पैकेजिंग होकर के मुझे मिला था। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और माय हॉल स्टोर पे जाके क्लिक जरूर कीजिएगा, तो सारी मेरी फेवरेट चीजें मैंने जो सब कुछ लिया है वो आपको माय हॉल स्टोर पे जाके एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। और लिपस्टिक देखिए बिल्कुल वाटरप्रूफ है, ये देखिए निकल नहीं रही है ना, ये देखिए, तो ये अच्छी लिपस्टिक है, इसको आप ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी गाइस आप सभी को ये जो सारी शॉपिंग पसंद आए तो एक लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या अच्छा लगा, कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर से बोल रही हूँ। चलिए अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये उसी रात की क्लिप है जिस दिन पारुल को हम लोग छोड़ करके आए थे, बस घर पे वापस आने के बाद मतलब थोड़ा बहुत घर समेटा, उसके बाद मैं लेट गई थी, तबीयत तो मेरी ख़राब थी, आपको बताया था ना, रात को मुझे इतना तेज़ फीवर आया था। अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का मतलब, तो यहाँ पे इनको ठंडे पानी की पट्टी रखनी पड़ रही थी, इतना ज़्यादा फीवर मुझे आ गया था, और मेरी वजह से इनकी भी नींद ख़राब हुई। मुझे 2 दिन हो गए फीवर आते आते, मतलब आज तीसरा दिन था जिस दिन मैं ये आपको क्लिप दिखा रही हूँ, उस दिन मुझे तीसरा दिन हो गया था। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी, और अर्ली मॉर्निंग टाइम क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ऐसे ही तबीयत ख़राब होती है जब भी एनर्जी होती है अचानक से तबीयत ख़राब, और अभी 4 बज रहे हैं लेकिन हम लोग 2 बजे से जाग रहे हैं, है ना, तो अचानक से उस अंजलि के पेट में दर्द और तेज़ बुखार हो गया, तो मैंने हालांकि डॉक्टर से भी बात की कि अभी आना चाहिए, थोड़ा सा दवाई दे के रिलैक्स हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सवेरा हो जाए फिर जाएँगे, और देखो मैं दिखाऊँ अंजलि कहाँ पर है। अंजलि टेंशन मत लो, ठीक है, तो थोड़ा सा सवेरा हो जाए फिर हॉस्पिटल जाएंगे हम लोग।
तो रात मेरी बहुत मुश्किल में निकली। और जब आप बीमार हो जाते हैं ना, तो वो रात आपको मतलब इतनी बड़ी लगती है कि ऐसा लगता है कि कब सुबह होगी, कब हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो मुझे 3 दिन हो गए थे, तो फाइनली फिर मुझे आज डॉक्टर के आना ही पड़ा। और यहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट के लिए मेरा ब्लड लिया जा रहा था, तो टेस्ट होंगे मेरे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद मैंने सिर्फ दाल दलिया की खिचड़ी बनवाई थी और वही खा रही हूँ। गाइस गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग में बात कर रही हूँ मैं आपसे, कल से मैंने आपसे बात नहीं की ना। रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और पहले तो मैं आपको बताती हूँ, कल का पारू को हम लोगों ने 10 बजे छोड़ दिया था, तो वो चली गई थी मामा जी के घर रुकी हुई थी। आज उसकी ट्रेन है, तो आज वो निकल जाएगी इंदौर के लिए। और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी कि मुझे मतलब आज हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। तो मेरे कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, मुझे डर लगने लगा था क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू मुझे फीवर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि टेस्ट करा लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ टेस्ट मुझे लिखे हुए थे, तो वो टेस्ट कराए हैं। और फाइनली रिपोर्ट भी आ गई है मेरी, क्योंकि 2 घंटे में रिपोर्ट मिल गई थी। तो ये अच्छा है, भगवान जी का शुक्र है कि रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है अभी, से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरल फीवर चल रहा है अभी, तो बट 3 दिन मुझे कंटिन्यू फीवर रहना, तो मुझे टेंशन हो गई थी कि टेस्ट अब करा लेने चाहिए। तो टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट भी आ गई है, नॉर्मल है। और बट लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी कल रात को, बहुत फीवर था मुझे। इन्होंने 1 घंटे तक मतलब मुझे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी थी, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम तो मिला था, बट पूरी तरह से फीवर नहीं जा रहा था मेरा। तो और अभी मैंने सुबह में खिचड़ी बनाई थी अपने लिए, अभी मैं खिचड़ी खा रही हूँ, क्योंकि पूरा मुँह मेरा ना कड़वा रखा हुआ है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी खाने का, कुछ भी खा रही तो एकदम कड़वा कड़वा जैसा लग रहा है। तो थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी मैंने और दवाइयाँ ले ली थी अपनी। अब रात को कुछ बनाऊँगी डिनर में। और इनके एक सर भी आए हुए हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे ना, वो सर भी आए हुए हैं अभी, तो ये काम से बाहर गए हैं। और मुझे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फीवर है ना इसलिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। दिन भर से मैं लेटी हुई थी, आपसे बात ही नहीं की, तो सोचा कि चलो बात कर लेती हूँ। और अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि आपने अपनी मौसी जी से नहीं मिलवाया, मौसा जी से भी नहीं मिलवाया। तो देखो मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, अभी वो कम्फर्टेबल नहीं थे वीडियो में आने के लिए, बट जब वो कंफर्टेबल रहेंगे मैं उनसे पूछूंगी, तो वो वीडियो में आना चाहेंगे तो पक्का मैं वीडियो में उनको लूँगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मतलब उनका मन नहीं था, तो मैंने भी ज़्यादा उनको बोला नहीं, लेकिन जब कभी भी वो आने को तैयार हो जाएंगे तो आप सब उसे मैं मिलवा दूँगी। तो ये है, और इतनी है मतलब तबीयत बिगड़ गई है मेरी, 3 दिन हो जाएंगे मुझे पूरे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो तबीयत मतलब पूरे घर में अपनी एक की भी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो पूरा घर ऐसा लगता है बीमार वाला, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो एनर्जी नहीं है अंदर से, मेरी आवाज़ भी सही नहीं हो रही है। खांसी ना, खांसी के चलते मतलब मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, यहाँ गले में भी लग रही है, दर्द हो रहा है गले में। गर्म पानी पी रही हूँ मैं अभी, तुलसी डाल के गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाता है खांसी में और जो दर्द हो रहा है ना उसमें। तो ये है, और मैं जो कुछ भी रहेगा थोड़ा बहुत आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको आपकी मासी ने क्या दिया विदाई में, वो मैं आपके साथ अब आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी पक्का, ठीक है। और आपके लिए सरप्राइज भी है, तो आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अभी इसको मैं ऐसे थोड़ा बहुत और बनाऊँगी, इसके बाद ऐड कर दूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना। वो तो पारू ला गई थी, इसलिए मेरा मन किया कि ये भी आ गया। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है। पारू ला गई थी, सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी, इसलिए मैंने कर लिया था। चलिए ये आ गए हैं, अब मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊँगी, तो मिलूँगी आपसे थोड़ी देर। तो बस सर आए हुए थे, सर को मैंने खाना बनाया था, फिर खाना खिला के इनके लिए और सर के लिए बनाया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ खिचड़ी ही खाऊंगी। और ये मेरे लिए नारियल पानी लेकर के आए हुए थे, सर चले गए हैं स्टेशन तक छोड़ने के लिए गए हुए थे, और बस यहाँ पे मेरा नारियल पानी, मैं नारियल पानी पी रही हूँ और दवाई वगैरह भी खा रही हूँ। तो अभी मैंने आपको रिपोर्ट नॉर्मल बताई थी, बट मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तो अभी आगे बताऊँगी कि रिपोर्ट में क्या आया हुआ है।
सो गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, इनको डिनर भी करवा दिया है। और एक बुरी खबर है मेरे लिए, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई है, तो ये ना बाहर थे और ये मुझे टेंशन देना नहीं चाहते थे, बोल रहे थे कि मैं घर पे आके बताऊंगा क्योंकि पहले से बता दूंगा तो तुम टेंशन लेने लग जाओगी। जिन्होंने मुझे बताया नहीं, बोले कि तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और घर पे आके बोलते हैं कि रिपोर्ट में टाइफाइड आया है। तो अब मेरी अब मुझे ना टेंशन हो गई है थोड़ी सी, तो देखते हैं कि अब मैं क्या कैसे करती हूँ। तो अभी मैंने डिनर में मतलब एक नारियल पानी पिया था जब ये लेके आए थे, डिनर करने से एक डेढ़ घंटे पहले ही पी लिया था। और उसके बाद फिर मैंने खिचड़ी खाई थी सिर्फ, उसके साथ में एक रोटी खाई, बस एक रोटी खाई है, पतली सी छोटी सी रोटी बनाई थी वो खा ली थी मैंने। तो सब मैंने मतलब मौसी वगैरह को कॉल किया और भी मैंने एक दो जगह कॉल किया, तो मतलब उसमें तला भुना नहीं खाते हैं, बताते हैं स्पाइसी खाना नहीं खाना। और देखो कल मैंने वो, मुझे पता नहीं था ना क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं कराया था, तो कल मैंने वो खा लिया, पाव भाजी और पिज़्ज़ा और क्या कहते हैं पराठा वगैरह, तो ये खा लिया था मैंने। और मुझे ये सब खाना नहीं था अभी, पता है, तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी कल रात को फिर से, तो पहली बार हुआ है मुझे। और मुझे नहीं पता ज़्यादा, मुझे नॉलेज भी नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस, तो आप लोग बताएगा मुझे। वैसे मैंने बहुत सारे जो वीडियो वो देखे हैं इससे रिलेटेड, और मैंने फ़ोन कर करके भी पूछा है, थोड़ा बहुत मुझे पता भी है, तो फिर उस हिसाब से मैं देख रही हूँ। बर्तन पड़े हुए हैं अभी मैंने, मुझे ना रात को पानी बहुत ठंडा लग रहा था तो मैंने बर्तन अभी क्लीन नहीं किए, सुबह देखूंगी मैं, सुबह मैं करूंगी और या मैं करूंगा या मैं करूंगा करूंगा या करूंगी है। देखते हैं कि कौन करेगा। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सब चले गए थे और मैंने वो बनाया था लौकी की, लौकी रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने लौकी की दाल बनाई हुई थी, कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सब्जी नहीं है कोई भी, तो बस ये है। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को बाद में कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी पता नहीं है। चैनल पे नहीं हुआ पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैंने जस्ट दवाई ली है, तो अब देखते हैं कि आज रात को मुझे नींद आती है कि नहीं आती। तीन दिन से तो मैं नहीं सो पाई हूँ, अभी पता नहीं है मुझे। तो आज हम जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हैं, अभी 10 बजे हैं रात के, वैसे हम लोग 12 1 बजे तक सोते हैं, तो आज जल्दी सोने की कोशिश कर रही हूँ। दवाई मैंने खा ली है, बस अब सोऊंगी मैं, कोशिश करूँगी, सोने की नींद तो नहीं आ रही अभी, तो देखते हैं। और दर्द है भी मेरे गले में, दर्द हो रहा है, कपड़ों का दर्द है। चलिए फिर मिलूंगी बाद में, पसंद आए ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तो फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, और बस चलिए बाय।